यह रही रिज्यूम की लिस्ट, यहाँ से अपने पसंद का रिज्यूम एडिट करके आप बना सकते हो। गाइस, दिस इज प्रकाश कुमार एंड वेलकम टू टेक्नो गुरु प्रकाश चैनल। आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं रिज्यूम के बारे में। अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और आपको एक रिज्यूम की ज़रूरत है, अच्छे रिज्यूम की, तो आपको इस वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं और रिज्यूम की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं आपको रिज्यूम बताने वाला हूँ, ये ना मैंने बनाया है या फिर ना किसी और एरे गेरे बंदे ने, ये बनाया है गूगल कंपनी ने। ये गूगल कंपनी का बनाया हुआ रिज्यूम है और ये रिज्यूम आपने एक बार अगर बना दिया तो आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करोगे तो आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट ज़रूर होगा और आपके पास में HR का कॉल एक बार तो ज़रूर आ जाएगा। ये टोटल एक नहीं, टोटल 5 रिज्यूम है, उसमें से आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसको एडिट करके आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको मैं रिज्यूम बताता हूँ और वहाँ से आप उस रिज्यूम को डाउनलोड भी कर पाओगे। और एक नहीं, टोटल 5 रिज्यूम है, आप अपने पसंद को देख के उसमें से 5 में से कोई एक रिज्यूम डाउनलोड करके, डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं, आप वहीं पे भी एडिट करके अपना सब डिटेल डाल के फिर डाउनलोड करके फिर आप किसी डायरेक्ट किसी भी कंपनी में भेज सकते हो। एंड तो बिना किसी बात की देरी किए डायरेक्ट चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और रिज्यूम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और आपको अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करोगे तो आपका पिक्चर यहाँ राइट साइड में आ जाएगा और उसके बाजू में आपको आइकन दिखेगा ये डॉट वाला, उस पर क्लिक करके आपको गूगल डॉक्स पर क्लिक करना है। गूगल डॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा UI आएगा और उस UI में आपको टॉप में से टेम्पलेट गैलरी की ड्रॉप डाउन, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे उस पर क्लिक करोगे नीचे का पेज एक्सपांड हो जाएगा और वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा रिज्यूम्स का। उस रिज्यूम्स के सेक्शन में आपको टोटल 5 रिज्यूम की लिस्ट मिलेगी। 5 रिज्यूम ये जो गूगल के अपलोड किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 रिज्यूम, इन रिज्यूम की लिस्ट में से आप सभी को ओपन करके अपने हिसाब का एक रिज्यूम ओपन कीजिएगा। आपको जो पसंद आया एक रिज्यूम को ओपन करके आपको चेक करना है कि ये मुझे अच्छा लग रहा, तो उस रिज्यूम को आप एडिट करके, जैसे ये रिज्यूम मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये गूगल का बना हुआ टेम्पलेट है और ये रिज्यूम है और यहाँ से आप इस रिज्यूम को अपने डिटेल के हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। और एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में आप चाहते हो कि ये फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, तो वो भी आप इस रिज्यूम में इनबिल्ट फीचर के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे टॉप में बोल्ड का फीचर दिया हुआ है, इसके बाजू में बहुत सारे टेक्स्ट के रिलेटेड फॉर्मेटिंग के फीचर दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप ये रिज्यूम एडिट भी कर सकते हो और इसको और भी सेक्शन ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंस का, एजुकेशन का, प्रोजेक्ट का, लैंग्वेज, अवार्ड्स, स्किल्स एंड एड्रेस का सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है और एक रिज्यूम में इतना होना अनफ है। और भी आपके पास है स्किल है, आपके अचीवमेंट है, आपकी हॉबीज जो आप ऐड करना चाहते हो, तो इन्हीं सेक्शन को आप कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर सकते हो। और पेस्ट करोगे तो आपका एक नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ये नया सेक्शन कॉपी करके यहाँ पे रखा है, जैसे मैं लैंग्वेज का सेक्शन कॉपी कर रहा हूँ और उसके नीचे रखूँगा तो ये मेरा सेक्शन दूसरा क्रिएट हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप इन सेक्शन में नए नए एलिमेंट और भी ऐड कर सकते हो, इस रिज्यूम में नए एलिमेंट और भी ऐड कर सकते हो। ऊपर मेन्यू में इंसर्ट में जाके आप जो मर्जी हो वैसा न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हो, टेबल, इवेंट। जैसे मैं अभी एक नई टेबल क्रिएट की तो इतना इजी एक नई टेबल क्रिएट हो गई और इसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटर रखना तो वो भी ऐड कर सकते हो। आपको डेट और टाइम ऐड करनी है तो वैसे आप उस इंसर्ट में जाकर वो भी कर सकते हो। बहुत सारे फीचर है इंसर्ट मेन्यू में, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाके अपने हिसाब से नए नए एलिमेंट, नए नए आपको जो ज़रूरत पड़े वैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हो और अपने रिज्यूम को और ब्यूटीफुल बना सकते हो दोस्तों। ये गूगल की बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है दोस्तों। यहाँ से आप लिंक भी ऐड कर सकते हो इंसर्ट मेन्यू में जाके, और ये रिज्यूम आपका एक बार बनेगा उसके बाद में आपको जिस फॉर्मेट में आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा वैसे आपका ये एक्सपोर्ट उस फॉर्मेट में हो जाएगा। टूल्स इसके अंदर ऊपर इतने सारे मेन्यू, इतने सारे फीचर है कि आपका रिज्यूम ये एक टूल यूज़ करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 5 टेम्पलेट और 5 टेम्पलेट में से किसी को आपके पसंद को आप एडिट करके बनाओगे ना तो आपको कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका रिज्यूम सब कुछ बन जाएगा। ये रिज्यूम एकदम प्लेन एंड एकदम
प्रोफेशनल है ये गूगल के बनाए हुए रिज्यूमे में, ये दोस्तों बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ से आप डाउनलोड जिस फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना हो उस फॉर्मेट में आप इस रिज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हो और आगे कंपनी को भेज सकते हो। जनरली आप अपन PDF या फिर डॉक में रिज्यूम को डाउनलोड करते हैं, उसमें आप डाउनलोड करके किसी भी कंपनी को उसकी करियर पेज पे जाके सेंड कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम बना सकते हो दोस्तों। एंड इसके अंदर टोटल 5 टेम्पलेट है और 5 टेम्पलेट के थ्रू आप नया नया अपना रिज्यूम और आगे क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक बेसिक एग्जांपल आपको मैंने बताया, और इस लिस्ट में आप किसी और भी टेम्पलेट को चूज़ करके, जैसे मैं एक दूसरा टेम्पलेट रिज्यूम का टेम्पलेट ओपन करता हूँ तो इसमें थोड़ा अलग डिजाइन है, तो वो आप अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो वो आप डिजाइन चूज़ करके उस रिज्यूम को एडिट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको बना सकते हो अपनी डिटेल फिल करके दोस्तों। तो ये जो गूगल की रिज्यूम के टेम्पलेट हैं और ये रियली हेल्पफुल है। ये मैं तो काम ही लेता हूँ, बट मेरे काफ़ी सारे दोस्त वो इसी रिज्यूम को क्रिएट करके अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, मेरा भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ और अच्छी सी कंपनियों के में से कॉल आते हैं HR के, यहाँ से हमने भी रिज्यूम क्रिएट किए। तो हमको ये यूज़फुल लगा, इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के भी काम आए। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो भी ये रिज्यूम बहुत काम के दोस्तों। तो मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।